बहरहाल बढ़ते आगे और अब बात करते हैं उस बाहुबली बुलडोजर की जिसका कार्रवाई इस बार सपा की बहुत ज्यादा सपा को चुभ गई है। दरअसल इस बार बुलडोजर समाजवादी पार्टी के दफ्तर तक पहुंच गया। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर जो अवैध दुकानें बनी थी उन्हें धराशायी कर दिया गया। इन दुकानों में समाजवादी पार्टी के झंडे पोस्टर बेचे जाते थे। बुलडोजर की कार्रवाई के बाद सपा नेताओं की तस्वीरें जमीन पर बिखरी हुई दिखाई दी, जो सपा को चुभ गई। समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल पूछा गया कि कहीं ये कार्रवाई सरकार के इशारे पर तो नहीं हुई। सपा दफ्तर के बाहर बुलडोजर की दहा, चूंकि इसलिए यहां पर विरोध हो रहा है, इसलिए यह मामला बहुत हाईलाइटेड है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का केंद्रीय कार्यालय यहां पर है। यहां पर मुलायम सिंह यादव का घर भी है, यहां पर अखिलेश यादव का भी घर है, शिवपाल यादव का भी घर है। विक्रमादित्य मार्ग की अवैध दुकानों पर प्रहार, डिंपल यादव की तस्वीर को देखिए और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का ये झंडा देखिए, डिंपल यादव हाथ जोड़े हुए, तमाम तरह की देखिए, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, ये देखिए शिवपाल यादव की भी तस्वीरें हैं इसमें, पूरे समाजवादी कुनबे और सैफई कुनबे की तस्वीर है। यहाँ बिकता था पोस्टर झंडा, वहाँ चला प्रशासन का डंडा। मुलायम सिंह यादव भी यहाँ कभी कभी रुककर पोस्टर बैनर खरीद लिया करते थे, यहाँ पर इन दुकानदारों के साथ बैठकर कभी चाय भी पी लिया करते थे। अखिलेश यादव भी चलते चलते यहाँ से रुककर इन लोगों का हालचाल पूछ लिया करते थे। देखिए मुलायम सिंह यादव की बहुत पुरानी तस्वीर आपको दिखाई पड़ेगी और धूल फाँकती हुई ये तस्वीर है। ये लखनऊ का विक्रमादित्य मार्ग है जहाँ दिन भर सपा नेताओं की भीड़ रहती है, लेकिन ये तस्वीर सपा नेताओं को चुभने वाली है क्योंकि नगर निगम की टीम ने अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला दिया है। और सपा को ये बात इस वजह से चुभी क्योंकि इन दुकानों पर समाजवादी पार्टी के पोस्टर बैनर कई सालों से बिक रहे थे। ये देखिए बाबा भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और ये जो पुराने जो दलित महापुरुष हैं वो सारे लोग पड़े हुए हैं। ये देखिए कुछ और भी दिखाना चाहूँगा आपको, ये देखिए पोस्टर अखिलेश भैया का, समाजवादी पार्टी का, ये नया वाला मामला है। ये देखिए अखिलेश भैया जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसके बाद वाला मामला है और ये यहाँ पड़ा हुआ है, जरा उठाकर भी दिखाऊं। यहाँ किसी की दुकान 5 साल से थी, किसी की 10 साल से, तो किसी की 20 साल से, लेकिन एक झटके में नगर निगम ने इन सभी अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया। देखिए मनोज पांडे की भी तस्वीर वहाँ उजड़ी पड़ी हुई है, वो प्रबुद्ध वर्ग के यहाँ अध्यक्ष माने जाते हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, मुख्य सचेतक हैं। देखिए उनका भी टीका लगाया हुआ जो चेहरा है दिख रहा है आपको, पोस्टर बैनर उनका भी उखड़ गया है। इन दुकानों को तोड़ने से पहले नोटिस भी दिया गया था, बार बार कहा जा रहा था कि फुटपाथ पर कब्जा किया गया है, लेकिन जब दुकान नहीं हटाई गई तो बुलडोजर पहुंच गया। बंद दुकान को तोड़ दिया गया है। बंद दुकान तो कहाँ इनक्रोचमेंट किए थे? 3 महीने पहले नोटिस आया था, इसके बाद कुछ बताया जाएगा तब बताया होगा ना। खड़े ही क्यों किए थे? खड़े इसलिए, आज से थोड़ी ना खड़ी है। पैसा देते थे क्या? पैसा तो पड़ता ही था। लेता था पैसा नगर निगम वाले? घूस वाला नहीं, उसके वो जाता था उसका। और अभी जब नोटिस आया था, बताओ ये पेड़ जो है और ये बताओ ये जो जमीन है ये फुटपाथ है हम लोगों के चलने के लिए बनी कि तुम लोगों की दुकान? ये तो आज जब 2001 से दुकानें लग रही हैं तो उस समय भी तो ये चीज होनी चाहिए ना। होनी चाहिए, बात सही है। चुभने वाला सवाल तो ये भी है कि जब दुकानें कई सालों से यहाँ अवैध तरीके से चल रही थी तब नगर निगम की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ी? इस कार्रवाई के विरोध में एक महिला दुकानदार ने सिर ही मुड़वा लिया। सारे मकान अवैध है, उनको तोड़ो, उनको क्यों नहीं तोड़े? ये सामने मकान अवैध है, ये क्यों नहीं तोड़ा गया? यही बगल में पूरा एसी सब कुछ लगा हुआ है, हम अपना पूरा बाल कटाएंगे और तब तक बाल नहीं आने देंगे सर पे जब तक क्या कहते सामने कार्रवाई नहीं होगी, काटो। लखनऊ नगर निगम की बुलडोजर वाली ये कार्रवाई सपा को बहुत ज्यादा चुभ रही है। सपा की तरफ से ट्वीट हुआ, सुनो सत्ताधीशों, दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम सत्ता में आए तो तुम शर्मिंदा न हो। बीजेपी सरकार ये बताए कि क्या ये अतिक्रमण पूरे लखनऊ से हटाया जा रहा है या सिर्फ सरकार के इशारे पर सपा कार्यालय के बाहर निशाना बनाया जा रहा है? सवाल तो बनता है,
जवाब दे बीजेपी। दरअसल में उत्तर प्रदेश की बीजेपी और दिल्ली की बीजेपी में घमासान चल रहा है, तो जो लखनऊ की बीजेपी वो खिसियाई हुई है, उसका तो कुछ बिगाड़ नहीं पा रही। गरीब लोग हैं जो बेचारे अपना झंडा टोपी तिरंगा बेचते हैं, उनकी दुकानों को जाड़ रहे हैं उनसे, और ये भी नहीं सोचते कि वो अपने बच्चों की फीस कैसे देंगे, अपने बच्चों को कैसे पालेंगे, उनके माँ बाप बीमार हैं, उनका इलाज कैसे करेंगे। देखिए, अतिक्रमण के खिलाफ एक सघन अभियान लखनऊ में छेड़ रखा गया है और वो लगातार सभी क्षेत्रों में चल रहा है, और जहाँ से ये शिकायतें मिलती हैं कि जो आवागमन है उसमें बाधा आ रही है, नागरिकों को बाधा आ रही है, कई कई घंटे लोग जाम में फंस रहे हैं इस आधार पर, और कई बार जो ये चौराहा है लोरेटो, उसमें साइड से लोग सपा कार्यालय के सामने से निकलते हैं और वहाँ भी अतिक्रमण में लोग घंटों फंस रहे। मुझे लगता है अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। मुद्दा इस वजह से गर्म है क्योंकि बुलडोजर की आंच इस बार सीधे सुरेश पांडे की रिपोर्ट। ऐसा पहली बार हुआ है जब अधिकारी बुलडोजर लेकर सपा दफ्तर के पास पहुंच गए हो। हालांकि ये कार्रवाई दुकानों को अवैध बताकर की गई है, बाकायदा नोटिस भी दिए जा रहे थे और दुकान हटाने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन दुकानदारों ने नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद बुलडोजर अपनी कार्रवाई करने पहुंच गया। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि नगर निगम भेदभाव वाली कार्रवाई कर रहा है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर योगी सरकार का बाहुबली पहुंचा तो पूरे विक्रमादित्य मार्ग पर खलबली मच गई, क्योंकि यहां अवैध तरीके से दुकान बनाने वालों ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा भी अंजाम होगा। न जाने कितने लोग इन्हीं दुकानों पर आकर अपनी गाड़ी के लिए झंडे खरीदा करते थे आगे लगाने के लिए, न जाने कितने कार्यकर्ता यहाँ पर आते थे और अपने लिए यहाँ पर गाड़ी का कोई झंडा लेता था, कोई अपने नेता के लिए सामने जाने से पहले, हम बात करें टोपी यहीं से खरीदता था, पार्टी कार्यालय में कोई कार्यक्रम होता था आ जाते थे और यहीं से गमछा लिया गले के लिए, यहीं से टोपी ली सपा की, और ये सब पूरा तैयार होकर मेक ओवर करके यहीं से वो लोग पार्टी कार्यालय चले आते थे। एक यहाँ पर आप कह सकते हैं निश्चित रूप से लंबे समय से ये यहाँ पर काम चल रहा था, अब इन सारी दुकानों को यहाँ पर तोड़ दिया गया। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी पहले भी कई बार सवाल उठा चुकी है, लेकिन इस बार तो बुलडोजर सीधे सपा के दफ्तर के पास ही पहुंच गया और जो लोग सालों से दुकान लगाते थे वो अपनी रोजी रोटी के संकट का हवाला देने लगे। बिटिया को लेकर कहाँ लेकर जाए, यही रहता है हमारी बिटिया जो है, यही लालबाग में प्रदीप कहाँ रहेंगे, हमको 10-15 साल हो गए, ज्यादा हो रहा है, बल्कि बाल भी काटे जा रहे हैं, बाल भी जय अभी हाँ हमारे बाल काटेंगे, हम तब तक बाल सर पे नहीं लाएंगे जब तक सामने कार्रवाई नहीं होगी। खड़ो तो आप 50-50 सामग्री लगाती थी? जी हाँ, सारे पार्टी के बाल रखते थे, सारे पार्टी के सामान रखते थे, कोई एक पार्टी के नहीं। किस नाम से दुकान? आयुषी इंटरप्राइजेस। आपका नाम क्या है? आयुषी श्रीवास्तव। अवैध काम का अंत एक न एक दिन जरूर होता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि बाबा का बुलडोजर समाजवादी पार्टी के बहुत करीब पहुंच गया है। आने वाले दिनों में ये बुलडोजर कहां पहुंचेगा, इसका कोई अता पता नहीं। उधर समाजवादी पार्टी ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सपा की तरफ से कई ट्वीट किए गए जिसमें लिखा गया, लखनऊ में पूर्व नगर आयुक्तों ने भारी भ्रष्टाचार किया, बाकायदा सत्ता के संरक्षण में किया, अपने नजदीकी रिश्तेदारों को बेनामी संपत्तियां दिलवाई, ठेके टेंडर मैनेज करते थे। ये आरोप खुद भाजपा की मेयर ने लगाए थे, ये कोई राजनीतिक आरोप नहीं बल्कि तथ्यात्मक बातें हैं। ये सब कुछ काले कारनामे योगी सरकार के संरक्षण में इसलिए चलते थे क्योंकि नगर आयुक्त महोदय सत्ता के इशारे पर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को परेशान करते थे। लगता है वर्तमान नगर आयुक्त भी उसी भ्रष्टाचारी रास्ते से अपने लिए भ्रष्टाचार की मंजिल पाना चाहते हैं। बुलडोजर की कार्रवाई सपा को इस बार कितनी चुभी है ये साफ साफ पता चल रहा है। लखनऊ नगर निगम में नए आयुक्त की तैनाती हुई है, माना जा रहा है कि उनकी सख्ती के चलते ही ऐसी कार्रवाई हुई और तभी सपा का निशाना अब लखनऊ नगर निगम के आयुक्त है। सपा की तरफ से एक और ट्वीट हुआ जिसमें लिखा गया, भाजपा सरकार ये भी बताए कि इसी प्रकार की निकृष्टतम कार्रवाई से सरकार को खुश करने वाले पूर्व नगर आयुक्त जो कि बेहद भ्रष्टाचारी थे और भ्रष्टाचार की रकम से एक होटल खरीदा है, नए नवेले नगर आयुक्त भी क्या उसी भ्रष्टाचारी रास्ते पर हैं, सरकार को खुश करके भ्रष्टाचार का रास्ता बना रहे हैं। नगर निगम की इस कार्रवाई के बाद कई तरह के सवाल हैं।
कुछ सवाल सियासी हैं, तो कुछ सवाल उन दुकानदारों के हैं जो कई सालों से यहाँ दुकान लगा रहे थे। खाली इधर क्यों हुआ? इसलिए कि ये गरीब लोग हैं, इसलिए वो सारे पैसे वाले से नहीं, यहाँ पे एक सोना गिनना रही है। जब से आई है तब से लोगों को जीना हराम कर दिया, उसी ने कह के सारी दुकानें हटवाई है, बाकी कोई नहीं हटा है। हम सर पे बाल तब तक नहीं आने देंगे जब तक सामने जो है क्या कहते हैं कार्रवाई नहीं होगी। देखते हैं कब तक। अरे बाल 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 छीला जा रहा है, काटिए। हाँ, बाल पूरा एकदम टकला करके रखेंगे मेरे सर पे, तब तक बाल हम नहीं आने देंगे जब तक सामने कार्रवाई नहीं होगी। अवैध मकान सोनम किन्नर का है, ला के देखो उसमें रजिस्ट्री है कि नहीं है। ये पूरा साइकिल ट्रक एकदम पूरा घेरे पड़ी हुई है, जब से आई है लोगों का जीना हराम कर रखा है। यही सामने देखिए अग्रवाल बंधु, रवीन बंधु सब आगे बड़े बैठे, किसी का क्यों नहीं टूटा। बगल में नाला है, सारे पक्के मकान बने हैं, ये तो खाली टी शर्ट पड़ी थी। सवाल है कि अगर ये दुकानें अवैध थी तो इन पर कार्रवाई करने में इतना वक्त क्यों लग गया? क्या पहले के अधिकारियों की कलम भ्रष्टाचार में डूबी थी? बात तो ये भी सामने आई है कि इन दुकानदारों से पैसे लिए जाते थे, तो क्या कार्रवाई पैसे लेने वाले अधिकारियों पर और कर्मचारियों पर भी होगी? एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ विदेश पांडे की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।